सबसे पहले हम फोटोशॉप 2023 जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें हम आज सीखेंगे कि कैसे पासपोर्ट साइज फोटो बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पूरी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम फाइल न्यू से एक साइज फोटो को पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है जैसे 35 mm by 45 mm ले सकते हैं या सेंटीमीटर में अगर आप लेते हैं 3.5 by 4.5 cm भी रख सकते हैं और ये जो रेजोल्यूशन है वो 300 भी रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें अच्छी क्वालिटी आ सकती है। और उसके बाद जैसे ही हम नया साइज क्रिएट करते हैं, ये जो साइज आया है हमारे पास ये पासपोर्ट साइज का साइज है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फोटो बनाने के लिए एक फोटो ओपन करनी पड़ेगी। तो फाइल में जाएंगे, यहाँ से कोई भी फोटो ले लेते हैं, मान लीजिए मैं अपने डेस्कटॉप पर आया, यहाँ से ये बंदे की फोटो है, यहाँ से ये फोटो ले लेते हैं। जैसे ही इसे ओपन करेंगे ये बंदे की फोटो है। अब इसको मुझे पासपोर्ट साइज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड हट जाए। तो इसके बैकग्राउंड हटाने के लिए ये जो देखेंगे टूल बार में ये नीचे वाला ऑप्शन, लासो टूल के बगल वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक। अब इससे क्या होगा कि ये जो बैकग्राउंड है वो एक क्लिक पर जो है हम हटा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ऊपर ये जो ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी एरिया को हम हटा के रिमूव कर सकते हैं जिसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिएगा ये एक्शन हो रहा है, अभी ये एक्शन हो गया है। अब देखिएगा इसके थ्रू जो है ना इसके बैकग्राउंड में जो है ये जो सिलेक्ट है, अब यहाँ पे इसका बाकी का हिस्सा कॉपी करने कट कर लेंगे हम कंट्रोल जे से। तो देखिए दो आगे लेयर हमारे पास, जो हमें नीचे वाले लेयर को जैसे ही ऑफ करते हैं अब देखेंगे कि ये जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से हट चुका है। अब ये जो बैकग्राउंड हट चुका है तो अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट कमांड है वी, वी से क्या है मूव टूल आ जाता है आराम से। अब इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक से दबा के हम दूसरे वाले जो साइज जहाँ पे लिया था ना हमने वहां पे आएंगे, हम यहाँ पे साइज वाले इस पे रखेंगे। अब क्या है कि इस साइज में हम इसे मैनेज करें इसके लिए कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म होता है, कंट्रोल टी दबाएंगे। देखिए कंट्रोल टी दबाने पे ऐसा कुछ आ जाएगा, ध्यान रखिए ये लॉक बटन अगर लगा हो, क्योंकि ये अगर लगा रहेगा तो ये कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में बड़ा होगा मतलब तो कहीं से भी इमेज खींचेगी। देखिए इसको हम सेट कर लेंगे अच्छे से, अब जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब ये देखिए ये एक इमेज सेट हो गई है हमारे इस पे। अब क्या करेंगे कि ये जो इमेज सेट हुई है इसका आउटलाइन जो है चारों तरफ से वो सिलेक्ट कर लेंगे हम। और वो कैसे सिलेक्ट होगा, आप एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे। ये देखिए स्ट्रोक मैंने ब्लू कलर की इसमें दिख रही है, हम अपने हिसाब से थोड़ा ब्लैक में करता हूँ। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा ये जो विड्थ है वो 2 पिक्सल होनी चाहिए। अब यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, तो एक मिस्टेक हो गई है। अब ये देखिए ये जो सिलेक्शन है वो फोटो पे है ना कि इस पे बैकग्राउंड पे, तो यहाँ से ये गलती आप ही मत कीजिए, कंट्रोल जेड करेंगे। यहाँ से जो है बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद पूरा एरिया जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस पर हम जो है स्ट्रोक लगाएंगे जैसे, और इस स्ट्रोक को जो है हम डिफाइन पैटर्न में जो है कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नया पेज लेते हैं एक A4 वाला। जैसे ही A4 का पेज लेंगे, इस A4 पेज में देखिएगा कि जैसे ही हम फिल का शिफ्ट F5 कमांड है इसका, इसको दबाएंगे एक पैटर्न हमारे पास आ जाएगा। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये देखिए पूरा पैटर्न आ गया है हमारा, पासपोर्ट साइज फोटो रेडी है। अब हम इसे चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं बड़े आराम से।
दोस्तों इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें